106 साल की स्वच्छता दूत कुंवर बाई की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि बीते 6 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती ये है 106 साल की स्वच्छता दूत कुंवर बाई। बीते कई दिनों से इनकी तबीयत नासाज है, इन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है। लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद कुंवर बाई को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही वो बेहोश बताई जा रही है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उनसे मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल में आम से लेकर खास लोगों का तांता लगा है। जैसे ही उनकी खराब तबीयत की जानकारी छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह को मिली, वो अस्पताल तो नहीं पहुंच सके, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए उनके परिवार से संपर्क जरूर किया। उन्होंने वीडियो कॉल पर ही स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर का हाल चाल जाना और परिवार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। उम्र का सैकड़ा लगा चुकी कुंवर बाई ने अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए अपनी 8-10 बकरियां बेच दी थी। स्वच्छता के लिए आदर्श पहल मानते हुए उन्हें स्वच्छता दूत बनाया गया। कुंवर बाई की कहानी सुनकर खुद पीएम मोदी भी उनके कायल हो गए। पीएम ने एक समारोह में न सिर्फ कुंवर बाई का सम्मान किया, बल्कि मंच पर उनके पैर भी छुए थे। बाद में प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कुंवर बाई का जिक्र किया था। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती कुंवर बाई की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।